इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में हैरियत से होंगे। अब आज मैं बनाने लगी हूँ झोल है, तो ये मैं प्याज और गाजर को मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। आज मैंने सारा दिन इतने काम किए ना, मौसम चेंज हुआ है तो मैंने सारे कपड़े गैलरी से नीचे उतारे हैं, गर्मियों वाले और सर्दियों वाले। अभी वो नीचे पड़े हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। अभी ये मेरा हो गया फ्राई, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना कपड़ों का गंद है तो अब ये सारे ऊपर चढ़ाने हैं, ऊपर वाले नीचे गिराए हैं। रजाइयां ऐसे ही धूप लगा रही हूँ, उछार धो रही हूँ, बड़े काम है। सारा दिन यही करती रही हूँ, अब गला हुशक हो रहा है। तो अभी मैंने कहा टाइम काफी हो गया, अब अफ्तारी का जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। अभी ये देखे, मैंने आलू को छील के कटिंग करके तो उबाल दिया था, तो साथ ये प्याज और गाजर है, इसको मैंने फ्राई कर लिया। ये धनिया है, साथ चिकन डाला है थोड़ा सा उबाल के। ये मसाले हैं जो मैंने डालने हैं, ये अनारदाना है, ये दादर मिर्च है, ये गरम मसाला है, नमक है, तो ये चाट मसाला है, ये सूखा धनिया है। ये सारे मसाले मैं अंदर डालूंगा। अब ये लास्ट पे ये जो मैंने फ्राई किया है ये भी डाल दूंगी। अभी मैं सारे कुछ चीजों को मिक्स कर लूंगी। अभी ये देखे माशाल्लाह, मैं ये रेडी कर रही हूँ। अभी ये मैंने लिया है डिब्बी का ढक्कन, जूसर मशीन की डिब्बी का ढक्कन, इससे मैं ऐसे करूँगी। बाजार से भी मिलते हैं शेव के लिए, लेकिन मैं घर में ये बोतल का ढक्कन लिया है। ऐसे मैं सारे रेडी कर, मैं ऐसे सारे बना लेने, फिर अंदर इनके अंदर ही इनकी फिलिंग करती हूँ। अभी ये देखे मैं फिलिंग कर रही हूँ इसकी, सारी सारी दरमियान से खाली रहने दोगी, और ये चिकन की और आलू की इनकी फिलिंग कर दूंगी। अभी मैं सारी आलू की डिशें बनाती हूँ, अभी तो मैं गोश्त और चिकन की नहीं बनाती, तो मेरे रिश्तेदारों को ये बड़ा मसला है कि ये इतना बना बना के किधर से पैसे ला रहे हैं, ये है वो, पता नहीं क्यों लोग इस तरह के हो रहे थे। हूँ खाइए ना तो मर जाइए, खाना तो सिया है, जिंदा तो सिरा रहे। अभी ये देखे मैं माशाल्लाह से फिलिंग सारी करती जा रही हूँ। अभी मैं इसकी अंडे में कोटिंग करूंगी, इसके अंदर ब्रेड क्रम से करूंगी। अभी ये देखो, अब ये सारी कोट, अब इसको ये देखे माशाल्लाह ये रेडी हो गया। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। अभी ये देखे माशाल्लाह मैं साथ साथ फ्राई कर रही हूँ, इसलिए टाइम कम रह गया, मैंने कहा साथ साथ फ्राई भी करती जाती है। तो ये देखे कितने प्यारे बन गए। अभी ये देखे माशाल्लाह मेरे ये मैंने बना लिए, ये दो बच गया था मिक्सर, उसके मैंने रोल बना लिए साथ। अंडा भी आया था ब्रेड क्रम्स से, तो फिर मैंने उसके रोल साथ बना लिए। अभी ये देखे, पता नहीं क्यों लोगों का काम है कि आज किसी का ना किसी को दिल दुखाते रहना, तो वो अब खाना तो है ही है ना, तो ये क्या कहना कि वो वीडियो बना रहा है तो वो इतना इतना कुछ बना रहा है, ये बना रहा है, आलू ही खान रहे हैं ना, ये आलू के अलावा क्या बना रही हूँ मैं। अभी ये तारी आई है, तो ये माशाल्लाह खजूरों का डिब्बा ही देखे कितना प्यारा सा बना हुआ है, और साथ चावल है।
चने वाली बिरयानी के चावल हैं और दो डिब्बे माशाल्लाह हैं। बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी भेजी है, जज़ाकअल्लाह है। तो अभी हम इसके अंदर से आज इफ्तारी करेंगे, इन खजूरों के अंदर से इफ्तारी करेंगे। तो मेरा दिल बड़ा दुखा है, मैं एक दो की बातें सुनी है कि ये तो इतना बनाते हैं, डिशे बनाती हैं, ये करती है वो करती है। तो अब मैंने अपना चैनल तो शुरू किया, मैंने उसको चलाना तो है, जो भी मैं जैसे भी चलाना मैंने चलाना तो है, चाहे घर के काम करके चलाऊं, चाहे कुकिंग करके चलाऊं, या चाहे मैं और काम करके, मैंने चलाना तो है। तो इंशाल्लाह चलेगा भी। तो आपकी मुझे सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो जो बातें करता वो करता रहे, मैं उसको कुछ नहीं कह सकती है। तो वैसे मेरा बड़ा दिल दुखा है और मैं बड़ी परेशान इस वजह से हुई थी कि इस तरह की क्यों बातें करें। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कि हमें जीने का कोई हक नहीं है या मेरे बच्चों को जीने का कोई हक नहीं है, कि वो नहीं कुछ अच्छा खा सकते अच्छा पहन सकते, कि क्या हम ऐसी ज़िंदगी गुजारते। चलो मैंने शुरू किया है चैनल, तो आप मुझे सपोर्ट दिया करें कि आपका ये बातें बनाना, कि आप ये क्यों खा रही हैं, ये वो क्यों खा रही हैं, मुझे करने दें। सपोर्ट नहीं दे सकता कोई किसी को, तो फिर बातें भी ना किया। अभी ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी इफ्तारी रह गई है। ये देखे रोल कितने कुरकुरे से बने हैं, ये देखो। तो ये मैंने फिर बच गया था, दो मिक्सर मैंने रोल बना दिए कि कल तक वो पानी छोड़ देते हैं, वो सही नहीं रहते। तो ये साथ डोनट बनाए हैं, साथ ये जो इफ्तारी के उनके घर से खजूरें आई थी इफ्तारी के लिए, आज यही इफ्तारी करेंगे उन खजूरों के साथ। रायता है साथ, हरमानी की चटनी है। तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट दिया करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसलिए मेरा मुझे जब पता चला है कि ऐसे बातें करते हो तो मेरा दिल बड़ा दुखा है, तो इस वजह से मेरी तबीयत आज काफ़ी ख़राब हो गई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ मेरे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।